अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा क्विक सा। तो इसके लिए मुझे चाहिए प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और मोज़रेला चीज़ है। और ये मेरे पास है टिक्का बाइट, चिकन टिक्का बाइट, मेयोनीज़ है और ये है पिज़्ज़ा सॉस, और मेरे पास है केचप और ये मिक्स हर्ब्स है, और मुझे ब्रेड चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम ब्रेड लेंगे, इस पे पहले हम लगाएंगे मेयोनीज। अच्छे से हर तरफ मेयोनीज लगा लें आप, और उसके बाद जो है हम इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज, केचप ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कम ज़्यादा। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्विक है, जल्दी तैयार हो जाता है और बच्चों को तो आपको पता है अच्छा लगता है ये, तो बच्चों की वजह से ही बनाया मैंने। तो अब आप इस पे लगा लें केचप, सॉरी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लगा के फिर हम इस पे लगाएंगे केचप। और ये मैंने टिक्का बाइट जो है वो रेडीमेड लिए थे, तो बस इसको मैंने हल्का सा ऑयल में मतलब फ्राई कर लिया था, ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करा था वरना बहुत ऑयली हो जाते हैं वो। तो 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर लिया था हल्का हल्का। तो अच्छे से लगा लें हर तरफ, तो मज़ा आता है, टेस्ट अच्छा लगता है सब तरफ लगा होता है। तो अब मैं जो है इस पे रख दूँगी टिक्का बाइट, और उसके बाद मैं इस पे डालूंगी शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। तो मैंने जो पैन जो है वो पहले से गर्म होने रख दिया था, इसको आप ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये पैन में भी आराम से बन जाता है, क्योंकि हर चीज़ तो बनी हुई है, पकी हुई है, तो बस हमें चीज़ मेल्ट करनी होती है। तो आप जो है पहले से प्री हीट कर लें अपने पैन को, और उसके बाद जो है बस हम इसको रखेंगे और 1-2 मिनट में ही हमारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी और ये क्विक से रेडी हो जाएंगे। तो मैं फाइनल लुक भी दिखाऊंगी आपको इसका। तो जितनी आपको सब्ज़ी अच्छी लगती है आप डाल सकते हैं कम ज़्यादा। तो इसमें आप ऑलिव भी डाल सकते हैं, मेरे पास थे नहीं तो वरना मैं ज़रूर डालती इसमें। अब मैं जो है वो चीज़ डालूँगी, और चीज़ भी आप जितनी चाहे डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा डालें। तो चीज़ तो ज़्यादा अच्छी लगती है, बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है चीज़, और ये मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, तो ये मैंने चीज़ भी डाल दिया। और अब मैं इस पर डालूँगी मिक्स हर्ब्स, तो उससे जो है अच्छा पिज़्ज़े का टेस्ट आ जाता है, तो आप ज़रूर डालें इस पर। तो ये मैंने मिक्स हर्ब्स डाल दिए हैं, और अब मैं इसको बस 1-2 मिनट के लिए ही, और या जब तक आपकी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती अब तक तक रख सकते हैं। तो बस इसको हल्के हाथ से प्रेस कर दें ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स और टिक्का बाइट्स वगैरह जो है वो गिरे ना, तो अच्छे से इसको प्रेस कर दें हाथों से। उसके बाद ये मैंने पैन प्री हीट करने रख दिया था, तो इसमें मैं जो है वो हल्का सा ब्रश से बस ऑयलिंग करूँगी, तो इसको ग्रीस कर दूँगी बस हल्का सा कि हमारी ब्रेड जो है वो चिपके ना। उसके बाद जो है मैं इसमें अपनी ब्रेड रखूँगी, और बस 1-2 मिनट के लिए आप वेट करें कि जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ, डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह कल नई रेसिपीज़ के साथ मैं ज़रूर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।